माननीय महानगर संघ चालक जी, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, यह अपना 78वां स्वातंत्र्य दिन हम संपन्न कर रहे हैं। पूरे देश के लिए अपने अपने मन में अभीष्ट चिंतन करने का आज दिन है, लेकिन ये केवल चिंतन करके बात रुकती नहीं। स्वातंत्र्य हमको प्राप्त हुआ तो हम जानते हैं क्या क्या हुआ है। एक लंबा संघर्ष 90 वर्ष का 1857 के बाद चला, तरह तरह के रास्तों से चला, अनेक प्रकार के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। तो हमारे लिए आज भी जो प्रातस्मरणीय प्रेरणादायक ऐसे चरित्र है, अहिंसक सत्याग्रह से लेकर तो हाथ में शस्त्र लेकर अंग्रेजों का सामना करने वालों तक, इतनी लंबी मालिका है। अपने देश के हर चप्पे में कोई ना कोई ऐसा नायक हुआ है जिसने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो उनकी संख्या भी बहुत है, परंतु केवल वे ही लड़े ऐसा नहीं है। तो सतत चलने वाले इस संघर्ष में सफलता की आशा तब दिखने लगी जब सामान्य व्यक्ति भी देश की स्वतंत्रता के लिए रास्ते पर आ गया, आंदोलन में उतर गया। अनेक लोग जेल में गए, बार बार कारावास भुगतने वाले भी बहुत लोग रहे, और जिससे कुछ नहीं बनता वो भी स्नान गृह में दरवाजा बंद करके क्यों न हो, लेकिन वंदे मातरम कहता ही था। शक्ति जिसकी जितनी थी उतना उसने किया, लेकिन सबके मन की बात एक ही थी। और इसलिए देश में इस स्वतंत्रता के लिए बलिदान करने वाला समूह और उनके पीछे पक्का खड़े रहने वाला सामान्य समाज, ये दोनों बातें जब बनी तब हमको स्वतंत्रता प्राप्त होगी। उनका हम स्मरण करते हैं, उनकी पुण्य स्मृति को हम वंदन करते हैं। साथ में यह भी हम समझते हैं कि बड़ी मेहनत से जो स्वतंत्रता हमने पाई, वो पीढ़ी तो चली गई, लेकिन आने वाले पीढ़ियों के ऊपर इस स्वतंत्रता को स्व के रंग में पूर्णतः रंगना और उसकी रक्षा करना, इसका दायित्व होता है। क्योंकि विश्व में सदैव ऐसे लोग रहते हैं जो अन्य देशों पर वर्चस्व चाहते हैं, उनसे रक्षा भी करनी पड़ती है, सतत सजग रहना पड़ता है। हमारी स्वतंत्र देश के लिए जिस प्रकार का रास्ता हमने तय किया, उस रास्ते पर चलते रहना पड़ता है, उसके लिए संवैधानिक अनुशासन का पालन करना पड़ता है। तो फिर परिस्थिति के उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। परिस्थिति एक सी हमेशा नहीं रहती, कभी अच्छी रहती है, कभी बिकट रहती है, परंतु देश का सामान्य व्यक्ति भी, हम स्वतंत्र देश के नागरिक है, उस स्वतंत्रता की हमको प्राणपण से रक्षा करनी है। और स्वतंत्र में जो स्व है उसको अधिकाधिक प्रकट करना है। ये बातें मन में रखकर जब चलता है तो उसके कारण जो वातावरण बनता है उसमें स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। परिस्थिति आज हम देख रहे हैं, पड़ोसी देश में बहुत उत्पात हो रहे, वहां रहने वाले हिंदू बंधुओं को बिना कारण ही उसकी गर्मी झेलनी पड़ रही है। भारतवर्ष ऐसा है कि
स्व की रक्षा और स्वयं की स्वतंत्रता, इसका तो है ही दायित्व, हर एक देश का होता है। लेकिन भारतवर्ष की परंपरा ये रही है कि भारतवर्ष अपने आप को दुनिया के उपकार के लिए बड़ा करता है। और इसलिए पिछले वर्षों में हमने देखा होगा कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब जब जो संकट में था उसको मदद की, वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है इसको देखा नहीं है। जो संकट में है उसकी मदद करना, ये हमारा देश है, ऐसा हमको चलना है कि दुनिया भर के दुख पीड़ितों के लिए हम करते हैं, हमारी सरकार भी करती है। तो ऐसी परिस्थिति में अपना देश ठीक रहे और अन्य देशों को ठीक होना है, उनको हमारी मदद हो, और उन देशों में ये जो अस्थिरता की, अराजकता की गर्मी झेलने वाले लोग हैं, उनको कोई कष्ट न हो, उन पर कोई अत्याचार अन्याय न हो, ये देखना है। ऐसी कितनी ही जिम्मेवारी एक देश के नाते हमारे सर पर है। कुछ मामले तो सरकार को अपने स्तर से ही करने पड़ते हैं, परंतु ये सब करने की शक्ति उनको भी तब मिलती है तब सामान्य समाज इस प्रकार की एक मनोवृत्ति लेकर, सजगता लेकर, देश के लिए सर्वस्व अर्पण की भावना लेकर जीता है। जब गुलामी थी तब स्वतंत्रता लाने के लिए मरना भी पड़ा। उस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सीमा पर लड़ने वाले जवान अपना बलिदान करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता मन में रखकर उनके परिवार देश में है, उनको सब प्रकार से सुस्थिर रखना, उनकी चिंता करना, वो सीमा पर जागते रहते हैं क्योंकि हम सुख से सो सके, तो उनके परिवारों की अनदेखी ना हो इसकी चिंता करना, स्व क्या है समझकर उसका अधिकाधिक आचरण करना, और देश के लिए चलने वाले सभी प्रयासों में सहयोगी बनना, किसी प्रकार से अनुशासनहीनता, अराजकता, इसका स्पर्श समाज जीवन को होने नहीं देना। ये जब सामान्य समाज करता है तो दुनिया भर में लोगों को स्थिर करने का, दुख मुक्त करने का सामर्थ्य देश के शासन का भी बन जाता है। आज हम सबको शुभकामना दे रहे हैं, आपस में शुभकामनाएं दे रहे हैं, पूरे देश के लिए अभिष्ट चिंतन कर रहे हैं, उसके साथ साथ इन कर्तव्यों का स्मरण करने का भी यह दिवस है। अनेक बलिदानों से ये स्वातंत्र्य हमने अपने लिए पाया है, लंबे समय के बाद पाया है, तो उसको ऐसे वैसे में इधर उधर होने न देना, ये हम सब का नागरिक के नाते, इस देश के समाज के घटक के नाते, आबाल वृद्ध महिला पुरुषों का, सबका कर्तव्य है। उस कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए हमारे जीवन में जो छोटी छोटी बातें ठीक करके, व्यवस्थित करके हमको चलना पड़ता है, उसको समझकर हम उस जीवन यापन का प्रयास करें, ऐसी एक आशा, विश्वास और विनंती आप सबके सामने रखता हूं और मेरे चार शब्द समाप्त कर दो। वंदे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनी सुमधुरभाषिणी सुखदा मातरम्
वंदे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करारे, कोटि कोटि भुजंग कर कर वारे, अबलाके नमामेश्वर बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदलमारिणी मातरम्। वंदे मातरम्। तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म तुम्हें ऋणी तुम्हें मर्मा, वम भी प्राण शरीर बाहुते तुम्हें मां शक्ति, हृदय तुम्हें मां भक्ति, तुम्हारी गरिमा प्रणय मंदिरे मंदिरे मातरम्। वंदे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी कमलाकमलगतविहारिणी वाणि विद्याधारिणी नमामि त्वां नमामि कमला कमला मतुला सुजला सुफला मातरम्। वंदे मातरम्। श्यामला सरला सुस्मिता धरणी धरणी मातरम्। वंदे मातरम्। वंदे मातरम्। वंदे मातरम्।